हेलो दोस्तों, आप सभी को ओम डस्ट स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपका भाई टॉपिक लेके आया है जो लेक्चर नंबर 4 है। आज क्लास में लाकर मेरा चौथा क्लास से आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। जो लेसन है, जो बहुपद पार्ट का जो फर्स्ट जो पार्ट नंबर 1 था, उसको हम क्या कर दें, एंड कर दें। उसको क्या कर दें, हम इन जितना भी टॉपिक था उसको हम क्या कर दें, खत्म कर दें। आज का हम बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद, यानी कि बहुपद जो टॉपिक है मेरा, बहुपद, बहुपद जो दूसरा पार्ट है उसी को हम टॉपिक करना है, उसमें पढ़ना है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, शून्यक कैसे निकाला जाता है, कैसे प्रोसेस रहता है, आज पर उस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर किए हुए चलो चलो करते हैं दोस्तों। टॉपिक मेरा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का, इसको हमको शून्यक निकालना है। तो दोस्तों, शून्यक हमेशा दो को निकलता है, शून्यक हमेशा दो को निकलता है, यानी कि एक्स का मान जो जिसमें दिया रहेगा उसी का मान निकालना। एक्स का मान हमेशा इसमें दो निकलेगा, क्यों निकलेगा, दो निकलेगा, उसी को बोलते हैं शून्यक निकालना। एक्स का मान इसमें दो कैसे निकालना है, चलो हम बहुपद के हिसाब से शून्यक निकालते हैं। अब इसको निकालना है तरीका नहीं होता है दोस्तों, कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट वालों को और लास्ट वालों को, फर्स्ट और लास्ट वालों को गुणा करना है, और बीच वालों को ऐसा दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने पर या घटाने पर जो गुणा किया उसके बराबर में आ जाए। समझ में नहीं आया ना, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कितना है एक्स स्क्वायर, और लास्ट कितना है माइनस एट स्क्वायर। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो माइनस का एट एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा, माइनस, अगर इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना कर दिए तो माइनस एट एक्स होगा। अब बच गया यहाँ पर कितना मेरा माइनस दो एक्स, माइनस दो एक्स बच गया। अब यहाँ पर हमको माइनस एट एक्स स्क्वायर को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस का एट एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक एक स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर हमको बीच वाले का भागम आ जाए। तो दोस्तों, हम इसको तोड़ते हैं, चलिए इसको तोड़ते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमको जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए माइनस टू एक्स, अब गुना करने पर माइनस आठ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, वो भी हर हाल में आना चाहिए। अगर हम इसको तोड़ते हैं कि कितना टूट गए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स और माइनस का फोर एक्स और माइनस का एट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार दो में से चार घटेगा तो माइनस टू एक्स तो यहाँ पर आ गया माइनस टू एक्स। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आठ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों का अगर गुणा करेंगे तो माइनस का आठ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर जोड़ने पर या घटाने पर क्या बीच लगा बराबर रखना है, यानी बना हुआ हमारा सही जा रहा है। अभी इसको देखिए यहाँ पर, या इसमें भी को कॉमन लेना है, यानी एक्स का मान इसमें भी है, एक्स का मान इसमें भी। अगर हम इसमें से एक्स क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ पर दो गए एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ एक्स गुणे एक्स मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर दो गो, यानी एक एक्स बाहर निकाल देते बचा क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर बच गया क्या वो एगो बच गया। अब एगो बच गया तो यहाँ पर निकालना प्लस, अब इसमें से एक्स बाहर निकालता अंदर कितना बच गया दो बच गया दोस्तों। अब अगला देखिएगा, अब अगला यहाँ पे कितना होगा माइनस, माइनस तो माइनस देंगे। आप इसमें से भी कॉमन लेना, यहाँ भी चार है, यहाँ भी कितना है आठ है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे इसके बराबर भी आ जाए, किसके बराबर, इसके बराबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर चार कॉमन ले लेते हैं, माइनस का चार कॉमन लिए तो बच गया यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक्स अगर चार बाहर निकालते अंदर क्या बचेगा एक्स बचेगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर बाहर निकाल दिया माइनस निकालेंगे तो बच में क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर चार कॉमन के इसमें क्या बच गया दो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या करना है कि एक्स माइनस चार, एक्स माइनस चार को एक साथ, अब ये दोनों सेम लग रहा आपको तो घबराना नहीं, ये दोनों को सेम लग रहा ना, तो ये दोनों से कोई एक को ही उतारना, किसको उतारना एक ठो का ही उतारना है। शून्य के निकाल रहे थे हमेशा जीरो के बराबर, शून्य के निकाल रहे थे हमेशा किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा। अब बताइए ये भी जीरो के बराबर होगा और ये भी जीरो के बराबर होगा, यानी एक्स माइनस फोर बराबर हो गया जीरो और एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर हो गया मेरा जीरो। अब यहां से अगर एक्स का मान निकालते हैं तो हो गया मेरा कितना चार। अगर यहां से एक्स का मान निकालते हैं जो प्लस टू है, कितना प्लस टू है, बारह का ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, यही निकालिएगा मेरा दोस्तों। यहां पर कर सकते हैं कि अतः एक्स का जो मान आ गया है कि चार कॉमा माइनस दो, यही मेरा क्या हो गया शून्य हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अगला सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर कहता है मेरा फोर एस स्क्वायर माइनस का फोर एस प्लस वन। अब जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे, फर्स्ट वालों को लास्ट से गुना करना है और बीच वालों को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर उसका गुना करेंगे इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वालों को इतना भी आना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर भाग में बांटना। अगर हम इसको गुना करते हैं, किसको गुना करते हैं चार को एक से गुना करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर तो हो गया करेगा। अब इसको ऐसा भाग में तोड़ा कि माइनस का फोर एक्स आना चाहिए, गुना करने पर प्लस फोर एस स्क्वायर आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस का टू एस, माइनस का टू एस, माइनस का टू एस, माइनस का टू एस, अगर माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस फोर एस स्क्वायर, अगर गुना कर जोड़ेंगे इसको माइनस टू एस माइनस टू एस माइनस फोर, यानी कि बना हुआ क्या जा रहा है, यही दोनों में टूटेगा।
अब इसमें से कॉमन लेते हैं कि यहाँ भी चार यहाँ दो है, अगर इसमें से अगर चार कॉमन लेते हैं इसमें चार कॉमन आता, अगर यहाँ भी दो है इसमें भी दो है, यानी कि टू एस को हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, टू एस को हम क्या कर लिए टू एस को हम कॉमन ले लिए। अब इसमें से टू एस कॉमन लिए तो बचा कितना टू एस इसमें ही बचा, इसमें कितना बच गया वन बच गया, कितना बच गया दोस्तों वन बच गया। अब यहाँ पे यहाँ पे टू एस यहाँ पे माइनस वन, अब यहाँ पर दो है लेकिन इसमें दो नहीं है, इसमें दो है इसमें दो नहीं, इसमें से कॉमन नहीं लगा सकता इसलिए माइनस होता माइनस देगा वन कॉमन लेंगे, अगर इसमें से वन कॉमन लेंगे तो दो से गुणा करें तो वन ही ना होगा, वन से कॉमन करें तो वन होगा। यहीं से अगर टू एस ले लिए और माइनस प्लस क्या होगा तो माइनस वन, अब दोस्तों किसके बराबर होगा तो जीरो के बराबर, किसके बराबर जीरो के बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको साथ एक साथ करिए, टू एस को माइनस वन के साथ करिए और टू एस को माइनस वन के साथ करिए किसके बराबर जीरो के बराबर, ए भी जीरो के बराबर होगा अब ए भी है जो जीरो के बराबर होगा। चलिए दोस्तों टू एस माइनस वन बराबर जीरो और टू एस माइनस वन बराबर क्या होगा दोस्तों जीरो हो गया। अब यहां से हमको निकालना किसका मान, एस का मान निकालना, यहीं पर एक्स का वेरिएबल में था तो एक्स का मान निकाल, यहाँ पर एस का वेरिएबल में था यहाँ एस का मान निकालेंगे, अगर यहाँ पर टू एस निकाल लिए तो यहाँ प्लस माइनस सॉरी यहाँ माइनस ये बराबर बढ़ जाएंगे तो प्लस नहीं, इसलिए एस बराबर हो जाएगा वन और गुना में है तो इसके भाग चल जाएगा भाग में, एस का मान मेरा यही निकाल गया। अब यहाँ भी उसे करेंगे टू एस को निकालेंगे, यहाँ भी माइनस वन है इसको भेजेंगे प्लस में भेजेंगे प्लस हो गया, और यहाँ पर एस है दो गुना में इसको भेजेंगे वन बाई टू हो गया। तो कह सकते हैं मेरा दोस्तों कि एस का जो मान निकाल गया दो को वन बाई टू और वन बाई टू, यही मेरा शून्य निकाल गया दोस्तों। अब इसको चेक करना है तो चेक करने के हम मिलते हैं अगला वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर, चेक कैसे करना है उसको हम अगला वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।